सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र राजपूत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाली है, बिकॉज हेयरलाइंस के ऊपर आज बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारे रिजल्ट देखेंगे यूट्यूब पर, इसका रिजल्ट उसका रिजल्ट, क्योंकि भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिनिक्स हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उस रिजल्ट में एक माइनर पॉइंट दिखता होगा। बेसिकली आपने रिजल्ट देखते होंगे लेकिन हेयरलाइंस पे नजर आते होंगे, कुछ इस तरीके से कुछ कुछ पिंपल नज़र आते होंगे, हेयरलाइंस प्रॉपर नज़र नहीं आता होगा, एक दाना दाना एक लाइन बनी हुई होती है जिसमें अननेचुरल होता है, प्रॉपर नज़र नहीं आता हमको रिजल्ट, एक नेचुरल पन्ना रिजल्ट नहीं आता, एक सही रिजल्ट नज़र नहीं आता। यहाँ क्या स्पेशल किया जाता है जिससे आपका रिजल्ट एकदम नेचुरल मिलता है, आपका हेयरलाइंस एकदम नेचुरल मिलता है। साथ ही साथ आपको एक कन्नड़ में पेशेंट रिव्यू सुनाने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऐड किया था। आपको बोला था कि मैंने एक कन्नड़ में वीडियो आपको दिखाना ही है, सो ये वाला वीडियो रहेगा। और ये कन्नड़ वीडियो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जो भी कन्नड़ समझने वाले हैं वो देख लीजिएगा। तो वीडियो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कन्नड़ में एक पेशेंट रिव्यू है, हेयरलाइंस कैसे आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, ऐसी कौन सी क्लिनिक है जहाँ पर आपको ये प्रॉपर नेचुरल रिजल्ट मिलती है। तो बेसिकली मैं बात करूँ दोस्तों, ऐसे पिंपल आखिर आते क्यों हैं, देख लीजिए। ऐसे पिंपल आते हैं हेयरलाइंस पे, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा रिजल्ट में, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग क्लिनिक से, तो आपको ऐसे पिंपल्स नज़र आते होंगे। लेकिन मेरे चैनल पे आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, एकदम नेचुरल रिजल्ट होता है, और ऐसा लगता है कि भाई इसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है। आखिर क्यों होता है ऐसा, रीज़न क्या होता है? तो रीज़न होता है दोस्तों, एक सही क्लिनिक। आपको एक सही क्लिनिक चूज़ करने में परेशानियां होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और ना चाहते हुए भी आप एक गलत क्लिनिक चूज़ कर लेते हैं। गलत क्लिनिक में क्या क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, डोनर एरिया इंस्ट्रक्शंस करते समय आपके प्रॉपर डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले नहीं जाते हैं, पूरे डोनर एरिया ख़राब कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये ख़राब डोनर एरिया मैं दिखा रहा हूँ, किसी अदर क्लिनिक का है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस क्लिनिक से ये पूरा डोनर एरिया ख़राब कर दिया गया। दोस्तों ये सोचते नहीं हैं कि भाई ये चाहेंगे तो दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा सके, या फिर जितने ज़रूरत होते उतने ग्राफ्ट निकालते नहीं हैं, ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल देते हैं, उसको पूरा वेस्ट कर देते हैं। दूसरा टॉपिक होता है दोस्तों, आपका टेक्निक, कौन सी टेक्निक से आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं और सबका एक अपना ओपिनियन होता है। दोस्तों एक सही टेक्निक क्या होता है, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ नीडल टेक्निक, जो कि मेरे क्लिनिक में होता है, मेरे रेफरेंस में होता है, जहाँ मैं आपको एक रिकमेंड देता हूँ, जो कि ये क्लिनिक नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ टेक्निक होता है नीडल टेक्निक। ग्राफ्ट को लगाते समय ध्यान दिया जाता है कि भाई प्रॉपर ग्राफ्ट लगाया जाए, एक नेचुरल हेयर लाइंस बनाया जाए, डेंसिटी दिया जाए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि डेंसिटी में हमेशा एक प्रॉपर नज़र आता होगा कि डेंसिटी प्रॉपर मिली जाती है, हेयरलाइंस प्रॉपर लगाए जाते हैं, ग्राफ्ट प्रॉपर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीडल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। भारत में ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ नीडल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है और आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों आपको रिजल्ट मैं आगे शो कर देता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से मेरे ही रेफरेंस से इस क्लिनिक से हुआ गया, जिस क्लिनिक से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की एक टीम होती है, डर्मेट की एक टीम होती है जो प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट करती है और सही एंगल से करती है, सही तरीके से करती है। उनको नॉलेज होता है कि भाई कितने ग्राफ्ट हेयरलाइंस पे लगाने हैं, कितने ग्राफ्ट क्राउन पे लगाने, कितने ग्राफ्ट आपके बैक पे लगाने हैं, कैसे आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकालने हैं और कैसे उसको इम्प्लांट करने हैं। आप देख सकते हैं किसी एंगल से पता नहीं चलता, किसी तरीके से पता नहीं चलता कि भाई यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है कि नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि इनका जन्मजात, जैसे हम बॉल्डनेस, जैसा हमारा नेचुरल एक रिजल्ट होता है, जैसा हमारे नेचुरल एक बाल होता है जब हम गंजे नहीं होते हैं, तब वैसा ही नज़र आता है। तो इसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक डेंसिटी मिलती है, एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका एक सही हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो मैटर ये रखता है दोस्तों कि आप एक सही क्लिनिक यूज़ कीजिए, सही टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए और सही तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। तो यहाँ पे नीडल टेक्निक का प्रयोग ज़रूर करवाइए, क्योंकि एक नीडल टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अच्छा डेंसिटी देता है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और आपको एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट, एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है, एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है। ट्रांसप्लांट करने से पहले जो आप लोग गलतियां करते हैं क्लिनिक चूज़ करने में,
वो आप शायद अब ना करें मेरे इस वीडियो को देखकर। सो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये नॉलेज शेयर करके आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके। तो दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें भी आप शेयर कर सकें। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, आपको बताया है कि भाई नीडल टेक्निक ही एकमात्र ऐसे टेक्निक होती है जिससे आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिल सकता है, जो कि आप लोगों ने रिजल्ट देखा। आइए दोस्तों, पेशेंट एक रिव्यू सुन लेते हैं कन्नड़ में, खास करके साउथ के रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए ये पेशेंट रिव्यू है। तो ये पेशेंट रिव्यू ज़रूर सुन लीजिएगा जो कन्नड़ समझते हैं। तो दोस्तों, ये पेशेंट रिव्यू मैं सुना देता हूँ और आप ये सुन लीजिए। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮಸ್ಕಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವ ನಂದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಟ್ ನಾನು ನಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿ. ನಂತರ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಪುಣೆ ಬಂದೆ. ಪುಣೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅದೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸೀದಾ ಪುಣೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಪೇಯ್ನ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತಾರೆ, ಏನು ಪೇಯ್ನ್ ಗೀನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲೇ. ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಯಾರಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಇವತ್ತಾಯಿತು, ಈಗ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ. पेशेंट रिव्यू कैसा लगा, ये नॉलेज कैसी लगी, ये हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोस कैसे लगे आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर मंगलवार और शुक्रवार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों चलता हूँ, ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, घर पर रहिएगा, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेशेंट के साथ, एक नए रिजल्ट के साथ। तब तक लिए थैंक यू।